अपन कुछ तो बात करना पड़ेगा जी सर जी। ये मीटिंग जनरल एक अपराध और कानून व्यवस्था के संदर्भ में था और बहुत सार्थक चर्चा हुई। रेंज के सभी एसपी साहिबान थे, कलेक्टर साहिबान थे और हम लोग थे, और उसमें मुख्य रूप से किस तरह जो ड्रग की समस्या है इस पे कंट्रोल किया जाए, संगठित अपराध पे काफ़ी हम लोगों ने अंकुश लगाया है, उसको अनवरत आगे हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। और जो निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस की है वो कैसे और बढ़ाई जाए, और एनडीपीएस एक्ट के अपराधियों पे किस तरह और प्रभावी नियंत्रण हो, इन सब पे बात हुई। साथ ही हमारे जो आने वाले चैलेंजेज हैं, जैसे इलेक्शन आएगा तो बॉर्डर पे नाके लगाने पड़ेंगे, उसके विषय में चर्चा हुई। इसी तरह जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं उन पे हमारा रिस्पांस क्विक हो, प्रॉम्प्टनेस के साथ एक्शन ले पुलिस। इसी तरह अपराधियों का जो एक ग्लोरिफिकेशन समाज में होता है, ये कैसे इसमें कमी आए। ऑलरेडी हमारे एक्शन से कमी आई है इसमें, और जो यूथ अट्रैक्ट हो रहा था अपराध की तरफ उस टेंडेंसी पे अंकुश भी लगा है, लेकिन इसको और हम आगे उत्तरोत्तर और कैसे इस पे अंकुश लगाएं, इन सब पे चर्चा हुई। जो क्राइम राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग तरह से साइबर की क्राइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसमें ठगी के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या रहे हैं? साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने पुलिस जन को ट्रेन करना पड़ेगा। साइबर अपराध एक तकनीकी तरह का अपराध होता है, वो दक्षता अभी हमारे में नहीं है, ये मैं मानता हूँ, और उसको एक वर्क इन प्रोग्रेस है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, और हमने एक विशेष टीम का भी गठन किया है जयपुर में। तो मैं यही कहूँगा कि उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं और सफलता भी हमें मिल रही है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि बीकानेर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज मीटिंग में ये पता चला कि जो साइबर अपराध में जो पैसा गया था उसका बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने बरामद किया है। तो लेकिन राजस्थान की दृष्टि से देखिए तो अभी इसमें बहुत कार्य पकाया है जो हम करेंगे। पुलिस स्तर में दाखिल कर रहे हैं, कल लाखों की घटना हुई, भीलवाड़ा में हुई, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? महकमा है, 1 लाख का महकमा है, उसमें कुछ कतिपय उदाहरण देखने को मिलते हैं। जहां भी इस तरह का जो आता है मिसकंडक्ट, कदाचार की बात आती है, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। आपने देखा होगा हम बख्शते नहीं हैं, तो चाहे वो अपराधियों से मिली भगत हो या मॉरल टर्पिट्यूड का मामला हो, हम लोग सख्त एक्शन लेंगे। और पुलिस को तो एक आदर्श प्रस्तुत करना है समाज में, वर्दी में तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, तो अगर कहीं गैर जिम्मेदाराना कंडक्ट होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उस पे हाँ उस पे हमने अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, और अभी मीटिंग में पहले भी हम लोगों को बताया गया था, बट मीटिंग में विस्तार से इस पे चर्चा हुई है। हमारे गंगानगर एसपी ने इस पे बहुत अच्छा इसमें एक्शन लिया है, उन्होंने सीमा पर एक ऑपरेशन ओपी सीमा करके, ऑपरेशन का नाम यही है ओपी सीमा, उन्होंने वहाँ चलाया है, जिसके अंतर्गत बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट्स को जागरूक किया जाता है कि भाई नशे वगैरह की प्रवृत्ति से दूर रहें, इससे क्या हानि हो सकती है समाज को, परिवार को, देश को, उसके बारे में बताया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उनको अवेयर किया जाता है कि तुम जाने अनजाने कहीं पड़ोसी देश के एजेंट्स के शिकार न बन जाओ, और क्षुद्र
पैसों के लालसा में, लालच में तुम देश के साथ गद्दारी ना कर, मतलब कोई इस तरह का अपराध ना करे देश के प्रति, उस विषय में सचेत किया जाता है। सर, इसका रोल निश्चित रूप से है। हमारी जो इंटेलिजेंस शाखा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जो उनके रिसोर्सेज हैं उनका उन्होंने ऑप्टिमम यूज़ किया है। और इंटेलिजेंस तो हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस के सोर्स तो नागरिक खुद हैं। जो अवेयर सिटीजन है वो बता सकते हैं अपराध के बारे में, या कोई अगर कोई संदिग्ध चरित्र है उसके विषय में, वो सूचना नागरिकों से भी आती है हमारे पास। कई पत्रकार बंधु हमें बताते हैं, कई बार सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो बताते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि थानों में भी जो इंटेलिजेंस का सिस्टम हो, जो पहले परंपरागत जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का मेथड था वो भी चले, और जो नवीन मेथड हैं उनका भी यूज हो। जो ड्रोन एक्टिविटी अधिकतर बढ़ती जा रही है उस पर काबू पाने के लिए ना भी ये सब कर रहा है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर एंटी ड्रोन मिसाइल्स भी दे रखी है, जिस पर आप ज्वाइंट ऑपरेशन भी करते हो। ड्रोन ड्रॉपिंग्स हुई हैं स्पेशली गंगानगर में, उसमें हमने लेकिन हीरोइन वगैरह जो भी ड्रॉप होते हैं उसको बरामद करते हैं, और जो लोकल सहयोगी हैं अपराधी गैंग्स के, मोस्टली तो ये सारी गैंग्स पंजाब की हैं, लेकिन लोकल जो असिस्टेंस देते हैं यहाँ के लोग पैसे के लालच में, तो हम उनको अरेस्ट करते हैं। और जो टेक्निकल जो इसका रिस्पांस है वो तो एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एक डेवलप हो रही है, और किसी न किसी रूप में हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो उस पर काम कर रही हैं, तो हम लोग उनके साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। थैंक यू सर।